हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोहम और आज हम देखेंगे रिदम के ऊपर प्रैक्टिस कैसे करते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आते हैं कि वो हम गाना तो ठीक ठाक से बजा पाते हैं लेकिन वो हम रिदम में नहीं कर पाते, रिदम को सेंस नहीं समझ नहीं पाते। तो आज हम देखेंगे कि रिदम को कैसे समझे, उसके बिट काउंट्स को कैसे कैलकुलेट करें और उसमें प्रैक्टिस कैसे करें। आइए दोस्तों, आज मैं आपको सिखाता हूँ कुछ टिप्स रिदम में प्रैक्टिस करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हमारे पास है CTX 9000 कीबोर्ड। आपका कीबोर्ड कौन सा भी हो, कैसियो हो, यामाहा हो या आपके पास रोलैंड कीबोर्ड है, तब भी आपके स्क्रीन के ऊपर ये सब चीजें दिखेंगी आपको जो आप बिगिनर्स कीबोर्ड्स में कर रहे हैं। तो हम इसके वजह से मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ ताकि जो भी बिट काउंट है या फिर जो भी बिट के टेक्निक्स है वो यहाँ स्क्रीन पर भी आप रेफर कर सकते हैं और आपको कीबोर्ड देखने को मिले ताकि मैं कौन सा रिदम यूज़ कर रहा हूँ या फिर किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए। कैसियो में रिदम का बटन है, यामाहा में स्टाइल का बटन रहेगा और रोलैंड में शायद पैटर्न या फिर रिदम, दोनों में से कौन सा भी बटन रहेगा। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं। मैं रिदम एक सेट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हम 8-बीट रिदम लेते हैं ताकि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। ये रिदम समझने में भी अच्छा है और दूसरा भी हम 2-4 रिदम देखेंगे, इंडियन रिदम्स भी देखेंगे ताकि आपको वेरिएशंस भी उसके समझ में आ जाए। अभी मेरे सामने 8-बीट ये रिदम लगा हुआ है। हर एक कीबोर्ड में ये रिदम रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रिदम है। तो आप 8-बीट लगाइए, उसका बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पो 120 रहता है। तो हम उसको कम करके थोड़ा सा स्लो करेंगे ताकि हम समझ सके कि बिट कैसे काउंट हो रहा है। तो हम फिलहाल 70 रखते हैं, तो आप भी 70 रखिए और ग्रेजुअली उसका स्पीड बढ़ाइए। जैसे जैसे आपको रिदम काउंट समझ में आता है वैसे वैसे आप उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी हम ये रिदम शुरू करते हैं। ये स्टार्ट का बटन है, रिदम तो सेट किया है, टेम्पो सेट किया है, तो अभी स्टार्ट का बटन दबाएंगे। ये रिदम शुरू हो चुका है और यहाँ स्क्रीन के ऊपर उसका मेजर और बीट काउंट आ रहा है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये ऐसा काउंट आपको सुनाई देगा, यहाँ पे दिखाई भी देगा। तो अभी आपको क्या करना है, फिलहाल तो रेफरेंस के लिए आपको फर्स्ट बीट कौन सा है ये आपको देखना है और जब आप समझो बजाते वक्त थोड़ा सा आपका रिदम मिस हो जाता है या फिर आप कहीं पर अटक जाते हैं तो रुकिए 2 सेकंड के लिए, स्क्रीन के ऊपर देखिए कि फर्स्ट बीट कब आता है और फिर वहाँ से ही शुरू कीजिए। बीच में आप शुरू मत कीजिए क्योंकि एट बिगिनर्स लेवल्स शुरुआत में आपको वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा। तो आप उसको रिदम को काउंट कीजिए, फर्स्ट बीट कैलकुलेट कीजिए और फिर आप प्ले करने की कोशिश कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, रिदम तो शुरू करते हैं हम, यहाँ पे हमें काउंट भी दिखेगा। अभी ये रिदम जो है वो उसमें काउंट कैसे, किस बीट को क्या काउंट है वो भी हम देखते हैं। ये जो फर्स्ट बीट पड़ रहा है ये ढक जो बेस है उसको हम फर्स्ट, हमारा वो काउंट है यानी कि फर्स्ट बीट है और उसके बाद वो सेकंड वाला जो है सेकंड, थर्ड, 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी फर्स्ट और थर्ड पे वो बेस हमको सुनाई दे रहा है और सेकंड एंड फोर्थ पे हमें वो दूसरा वाला सुनाई दे रहा है। तो जो फर्स्ट बीट है ये वाला, उसको हम ध्यान में रखेंगे हर बार, तो वो हमारा फर्स्ट होता है। तो उसके हिसाब से उसी के साथ हम हमारा प्लेइंग शुरू करते हैं। समझो हम सरगम बजा रहे हैं कुछ, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अभी क्या हुआ, हर एक बीट के लिए मैंने एक नोट बजाया है। तो आप भी ऐसा करेंगे कि हर एक बीट के लिए आपको एक नोट बजाना है। टेम्पो थोड़ा सा स्लो रखिए और ग्रेजुअली उसका बाद में स्पीड बढ़ाइए। अभी समझो हमने 70 टेम्पो के ऊपर प्रैक्टिस किया है तो हम उसको 80-90 तक ले जा सकते हैं। तो अभी उसका स्पीड बढ़ेगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
अभी ये जो है ये हमने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, तो आप भी ये स्पीड बढ़ा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम कुछ दूसरा रिदम देखते हैं ताकि दूसरे रिदम में भी हमें समझ में आ जाए। अभी हम डांस फोल्डर में से समझो ट्रांस रिदम लगाते हैं। ये भी बहुत इजी रिदम है समझने के लिए, अच्छा इसलिए मैंने ये लगाया है। टेम्पो हम 80 करते हैं उसका। अभी ये जो बेस पड़ रहा है 1 2 3 4, ये समझने के लिए बहुत ही इजी है। अभी समझो मैंने 75 टेम्पो किया, मैं और थोड़ा स्लो करता हूं, तो ये बीट देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी ये जो 1 2 3 4 यहां पे भी काउंट दिख रहा है आपको, और आप उस एक बीट को एक नोट बजाएंगे, यानी कि 1 2 3 स्टार्ट। यह हो गया रिदम, यानी कि आप ये जो बीट काउंट है मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट बीट और थर्ड बीट याद रखना है, क्योंकि जो आप आगे जाके कॉर्ड प्रोग्रेशन करेंगे या फिर अगर आप कॉर्ड बजाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो कॉर्ड्स फर्स्ट एंड थर्ड बीट पे ही आते हैं, और एडिशनल कॉर्ड जो है वो सेकेंड और फोर्थ बीट पे एडिशनल आते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऐसे भी आ सकते हैं या फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ फर्स्ट ऐसे भी आ सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थ्री इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन नोटेशन में उसको सम कहा जाता है, सम के ऊपर आना है, यानी कि फर्स्ट बीट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिदम। तो अभी हम कुछ इंडियन रिदम भी ट्राई करते हैं। अभी समझो मैंने इंडियन रिदम में 3 ताल लगाता हूँ ताकि वो समझ में आए। उसका भी हम टेम्पो 75 ही रखे हैं, तो अभी ये रिदम कैसा है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। उसके कैलकुलेशंस कैसे है, धा धिन धिन धा, ये हो गए 4 बिट्स। आगे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, ऐसे बिट काउंट आ रहा है। मुझे तबले का उतना ज्ञान नहीं है, तो मेरा अगर कुछ मिस ये हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जनरली हम काउंटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, तो इसके वजह से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि वो 4 × 4 16 बीट का एक लूप तैयार हुआ है। तो अब फिर से एक बार देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे आपको मिनिमम 8 to 10 टाइम्स, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं मिनिमम 10 to 15 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, ताकि आपको रिदम समझ में आ जाए। और 2-3 चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि रिदम काउंट कैसे होता है। तो ये देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए ये आपके सामने है 4 बीट का काउंट, यानी कि 1 2 3 4, ये जो नंबर्स मैंने दिए हैं वो नंबर्स रिदम काउंट है, और नीचे मैंने उसके नोटेशंस लिखे हैं। इसका मतलब है एक बीट के ऊपर एक नोट बजाना, इट मींस 100% वेटेज हम उस नोट को दे रहे हैं। सेकंड रो में अगर आप देखते हैं तो एक बीट में 2 नोट्स हमने बजाए हैं, इसका मतलब है दोनों नोट्स को 50-50% वेटेज जाएगा। अभी वो वेटेज कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम जब क्लैपिंग करते हैं 1 2 3 4, अभी ये क्लैपिंग कैसे पूरा होता है, जब हमारा एक हाथ नीचे जाता है तो 50% और फिर वो ऊपर आता है तो 50%, यानी कि 50+50, ये एक हमारा क्लैप कंप्लीट हुआ, यानी कि हम जो ताली देते हैं वो 1, ये ताली कब कंप्लीट होती है, जब आधी नीचे जाती है और आधी ऊपर आती है, यानी कि 50% डाउन 50% अप, सो डाउन अप करके वो 100% काउंट होता है। वो ऐसे हम 4 काउंट करते हैं, डाउन अप 1, डाउन अप 2, डाउन अप 3, डाउन अप 4, यानी कि 4 बिट्स हम करते हैं। तो इसका मतलब है अगर वो 50-50% मात्रा हम बोलते हैं तो उसको कैसे काउंट किया जाएगा, सा रे, यानी कि 50% नीचे एक नोट 50% ऊपर एक नोट, रे ग, ग म, म प,
ये हुआ हमारा ताली का हिसाब, यानी कि वो फर्स्ट बीट में 2 नोट्स, सेकंड बीट में 2 नोट्स, यानी कि 50-50% उसका वेटेज हो गया। अगर हम 3 नोट्स बजाते हैं एक बीट में 3 नोट, तो उसका 33% अराउंड 1/3 हम उसको बोलते हैं वो वेटेज हो गया। जैसे जैसे आप नोट्स बढ़ाते जाएंगे उसको डिवाइडेड 100 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बीट एज वी कंसिडर एज 100% बीट काउंट, यानी कि एक बीट 100% का होता है, उसमें एक बीट में जितने नोट बजेंगे उतना उसका बाइफर्केशन हो जाएगा। अभी ये नोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे होल्ड किया है नहीं किया, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन बेसिक्स के लिए आप फिलहाल तो इतना ही ध्यान में रखिए कि अगर एक बीट में एक नोट बजता है तो उसको 100% वेटेज जाता है, 2 बजते तो 50-50, 3 बजते तो 1/3, 4 बजते तो 25, 5 बजते तो 20 एंड सो ऑन। सो आप प्रैक्टिस वैसे ही कीजिए जो अभी इंडियन रिदम, अभी कौन सा भी आप रिदम लगा सकते हैं, ये एक 3 ताल का रिदम हो गया। समझो हमने भजन लगाया, इसमें से 183 नंबर का रिदम है भजन, वो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, यहाँ पे काउंट दिख रहा है आपको, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये चीजें हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, आप ऐसे कौन सा भी ताल उसमें लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियन रिदम्स ये कैसियो में हैं, यामा भी नए कीबोर्ड्स में भी रहेंगे। अगर आपके पास इंडियन रिदम नहीं है तो आप कौन से भी वेस्टर्न रिदम्स लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने डांस फोल्डर में लगाया था ट्रांस करके रिदम है, वो बहुत ही अच्छा है शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आप हिप हॉप वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, ऐसे मल्टीपल रिदम्स यूज कर सकते हैं। अभी सभी तो रिदम्स में इस वीडियो में दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने मैक्सिमम 2-4 पैटर्न्स कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको वेरिएशंस भी समझ में आ जाए और कैसे काउंट होता है। आप चाहे इंडियन रिदम लगाइए या चाहे वेस्टर्न रिदम लगाइए, उसका बीट काउंट 1, 2, 3, 4 ही रहता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, मतलब जैसे पैटर्न चेंज होगा उसका काउंट बदलेगा। फिलहाल हम 4x4 का ही बात कर रहे हैं। अभी कुछ रिदम्स ऐसे हैं वो 3 मात्रा में रहते हैं, यानी कि वॉल्ट्स, अगर हम वॉल्ट्स में जाते हैं तो उसका रिदम 3 बीट्स का होता है, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। टेम्पो जरा बढ़ाता हूँ मैं उसका, मैंने 100 टेम्पो किया है, 1, 2, 3। तो ऐसे रिदम काउंट्स है, मल्टीपल है। अगर हम इंडियन में रूपक देखेंगे तो वो तो रिदम 7 मात्रा का है, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ऐसे काउंट उसके रहते हैं। ये अलग अलग पैटर्न में मैं अलग अलग वीडियोस बाद में बनाऊंगा, फिलहाल बिगिनर्स के लिए आपको 4x4 पैटर्न में ही प्रैक्टिस करनी है। तो शुरुआत में आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाके आपको बाकी के रिदम पैटर्न्स भी समझ आएंगे कि कैसे बजाना है, कैसे प्ले करना है। तो फिलहाल आप 4x4 में जो भी आपका सरगम है, CDEFG नोटेशन है, आप कौन सा भी नोटेशन यूज करो और उसके एक्सरसाइजेस या अलंकार पलटे जो भी है वो आप प्रैक्टिस करो, रिदम लगा के, बिट लगा के, काउंट करके। अगर आप गलती से कहीं पे रुक जाते हो या फिर आपकी उंगली फिसल जाती है प्रैक्टिस करते वक्त, आप रुक जाते हो, अटक जाते हो कहीं पे, तो उस रिदम को सुनिए और काउंट कीजिए और बाद में फिर से प्ले कीजिए। शुरुआत मैं रेकमेंड करता हूँ कि बजाते वक्त आप वो मुंह से नोटेशन भी बोल सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आई एम श्योर आप रिदम पे प्रैक्टिस कर पाओगे। मेरे दिए हुए टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन बटन भी दबाइए ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।